जिस हवाले दे नाल जनाब दे नाल मुखातब होना चाहना ओ मौजू है कि तुहाडे ते मेरे करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ओदे कुर्ब दियां मंजलां जिथे कोई नहीं जा सकिया उथे अल्लाह करीम ने अपने महबूब नू बुला के ला मकान दियां बुलंदियां ते अपना दीदार करवाया। एक ते गल ए सी और दूसरी गल ए वे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब नू सारे जहाना वास्ते रहमत बनाया है ते जहान ने कुल 18,000 आलम ने कुछ ऐसे जहान ने जिन्हों असी तुसी भी जानने हैं, कुछ ऐसे जहान ने जिन्हों का सानू पता नहीं, छुपे हुए जहान ने। जिस तरह जहाने ने बहरी होवे बर्री होवे खुशकी होवे तर्री होवे हवा ना तो होन जवा ना तो होन ए जहान और फिर 18,000 जहान विच जमीना ने आसमान ने जन्नत दोजख लहो ए कुर्सी ए कलम है अर्श है ये सारे जहान ने, लेकिन कुछ ऐसे छुपे हुए जहान ने जिन्हां दे मुतल्लक अल्लाह जाने या उहदा रसूल जाने। है 18,000 ने ये ते गल हजरत सुल्तान मुहम्मद बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी गल ते हजरत इमाम हुसैन के हवाले नाल कीती है, लेकिन गल जहाना दी आप फरमांदे ने 18,000 जो आलम हुसैन दे मर दे अल्लाह करीम इरशाद फरमांदा है सुम दना फतदल्ला फकान कब कौसैन औ अदना। अल्लाह करीम इरशाद फरमांदा सोने तुहाडे उत्तां आउण दी कसम सुम्मदना फतदल्ला ते मेरी हेठां आके अगाया के तेरे इस्तकबाल करन दी कसम सोने फकान का बकौ सही नी औ अदना महबूबा और करीब आ जा और करीब आ जा। अल्लाह फरमांदा इना इना महबूब करीब हो गए दो कौसा का फर्क रह गया दो कौसा एक कौस मुस्तफा वालों दूसरी कौस खुदा वालों ते कौस ओनू आंदे ने जिस कमान विच रख के तीर चलाया जावे। फरमाया दो कमाना दे दो कौसा दा फर्क हुण जरा तवज्जो करिया जे तुहाडे ते मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्योंकि 18,000 जहाना वास्ते रहमत ने हुजूर 18,000 जहान दे नबी ने ते हुण वेखणा ए वे
कि सरकार दे नाल 18,000 जहाना विचों केड़ी केड़ी शै हजूर नाल मुहब्बत कर दी है। सिर्फ इंसान ही मुहब्बत नहीं करता, असी मुहब्बत नहीं करते मेरे दोस्त, सिर्फ फरिश्ते मुहब्बत नहीं करते, जिन्नात मुहब्बत नहीं करते, हर शै मेरे ते तेरे करीम लजपाल रसूल नाल मुहब्बत कर दी है। हर शय हुजूर नाल मुहब्बत कर दिए तो आडे ते मेरे करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबा मेरे गुलामों, जदों मैं मस्जिद अक्सा विचों बैतुल मकदस विचों नबियां नू नमाज पढ़ाई, फरमांदे ने मैं नमाज पढ़ाने दे बाद नबियां नाल गुफ्तगू करने दे बाद हुजूर फरमांदे ने जदों मैं चलिया जो मैं आसमाना वाल चलिया जरा तवज्जो ते करी मेरे ते तेरे करीम ने फरमाया सखरा पत्थर दे नाल मैं अपनी सवारी जिथे जिबरीले अमीन ने बदी हुई सी। हुजूर फरमाते ने जो मैं जान लगिया अपना कदम पत्थर ते रखिया, हुजूर फरमाते ने मैं सवारी ते सवार होया, जो मैं आसमाना वाल चलिया वेख्या पत्थर भी हुजूर फरमाते ने मेरे पिछे ही चलन लग पिया। हुजूर फरमाते ने पत्थर भी मेरे पिछे ही उड़ गया। क्यों पत्थर उड़िया दरा तवज्जो ते करी क्यों पत्थर उड़िया, पत्थर ने वेख्या इत्थे मेरे आका दे कदम दा नक्शा बन गया है। ना जानिए किसे दुनियादार दा कदम भी ना आ जाए उत्ते, इस वास्ते महबूब दे कदम दा अदब करदिया होया पत्थर अपनी जगह छड़ी अपना मुकाम छड़िया हवा वे चुड़ लग पिया। पत्थर को पुछया पत्थरा क्यों चलिया है, पत्थर आख्या आशक दी परवाज उधर ही होंदी है जिधर यार दा टिकाना होवे, आशक दी परवाज उधर ही होंदी है जिधर महबूब दा टिकाना होवे। एदा तर्जमा गोलड़े दे ताजदार हजरत पीर सैयद मेहरे अली शाह चिश्ती कादरी गिलानी गोलड़ वी रहमतुल्लाह ताला ले आपने इंज कीता, फरमांदे ने ला परीता दे दिलासे ओ गए, ला परीता दे दिलासे ओ गए। गोलड़े दे ताजदार फरमांदे ने ला परीता दे दलासे ओ गए, दिल दे प्यारे आशक वास्ते जदों महबूब जुदा होवे उदो एक घड़ी भी 100 साल दी लगदी है। फरमांदे ने एक घड़ी 100 साल दी दिलबर मैं तेरियां रावां भाल दी। आओ हुजूर दे दीवानियों मैं अर्ज कर रहा सां, ओ सखरा पत्थर हुजूर दे पिछे दौड़िया तेरे ते मेरे करीम फरमाया पत्थरा क्यों दौड़े हैं, पत्थर अर्ज करदा है सोने जिथे तो
तुहाडे कदम लगे ने महबूबा उथे, क्योंकि एक अदब दा तकाजा है किसे दुनियादार दा कदम ना लग जाए, क्योंकि तुहाडे कदम वर्गा रब कायनात विच किसे दा कदम बनाया ही कोई नहीं। तुहाडे कदम वर्गा किसे दा कायनात विच कदम बनाया ही कोई नहीं। हुण जदो सखरा पिछे दौड़िया जरा तवज्जो ते करी, हुजूर फरमाया पिछे आ रहा वे, हुजूर मेरा दिल नहीं लगदा क्योंकि तुहाडे कदम दी तुहाडे वजूद दी भीनी भीनी मिठी मिठी खुशबू मेरे अंदर आ गई है। हुजूर मैं चाहना वा जे अगर वसल दिता जे हुण दूरी ना दियो, हुजूर अगर वसल दिता जे दूरी ना दियो तुहाडे ते मेरे करीम ने फरमाया पत्थरां इत्थे ही खलो जा, पत्थरां इत्थे ही इथे ही खलो जा। हुण पत्थर खड़ा हो गया ओदे ना कोई सज्जे टेकी ना खब्बे टेकी, ना किसे दीवार दा आसरा ना किसे थम दा आसरा, पत्थर कोलों पत्थर दे थल्लों कोई आरफ गुजरिया, किसे आरफ ने पूछया ओ पत्थरा तेरे ना कोई सज्जे टेकी ना खब्बे टेकी, ना किसे दीवार दा आसरा ना किसे थम आसरा, किवें खलोता है पत्थर विच आवाज आई मैनू पुछण वाले आने होर सहारे की करने ने जिन्हू मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहो ताला अलैहि वसल्लम दा सहारा मिल जाए, उन्हें होर सहारे की करने ने उन्हूं होर किसे सहारे दी जरूरत नहीं। सरा जिन्हों हुजूर दा सहारा मिल जाए उन्हें होर सहारे की करने ने। आदरा तवज्जो ते करी, पत्थर कोलो आरफ ने पूछया पत्थरा इत्थे खलोता है तेनू कोई सहारा भी नहीं खलोता किवें वे, उन्हें आख्या मैनू किसे आम बंदे नहीं खिला रहा, हुक्म ओदा है जिदी जुबान विच्चों लफज निकले ते कानून बनदा है, जिदी जुबाने पाक विचो लफज निकले ते कानून बनता है। पत्थर अज भी खलोता है, 1450 साल हो गए ते पत्थर अज भी ओते ही खलोता है। एक उम्मती है जेड़ा सरकार दा कलमा पढ़ के जिथे अल्लाह रसूल खलारन नहीं खलोंदा, पत्थर आख्या ओए लोगो मैं कोई ऐसा 15वीं सदी दा नौजवान नहीं, सवेरे होरोवां दुपहरे होरोवां शामी होर होवां, क्योंकि मैं ते कयामत तक ओते ही खलोता रवांगा जिथे यार ने हुक्म दिता आए। मैं तो उथे ही खलोवांगा जिथे महबूब ने, जिथे महबूब ने हुक्म दिता है, ये किसी आम बंदे नहीं खिला रहा, अन डिठे ओने खिला रहा है, जेड़ा अन डिठे रब नू मना जानदा है, जिड़ा अन डिठे रब नू इंज नहीं जिड़ा अन डिठे रब नू मना जानदा आए, जिड़ा अन डिठे रब नू मना जानदा आए, ओ पत्थरां तो कल में पड़ा जानदा आए, सोना पत्थरां तो कल में जरा तवज्जो करिया जे, ओ पत्थरां तो जेड़ा अन डिठे रब नू मना जानदा आए, सोना पत्थरां तो कल में ए
मास्टर रिकॉर्डिंग कंपनी वाले मलक नसारवान साहब तुहानू यह मास्टर न्यूज़ ते जाके इन्होंने पूरी दुनिया ते विखाउणा है। जरा मुहब्बत नाल इश्क दी दुनिया में जाके हजूर दी नात पढ़ो। अनडिठे रब नू मना जानदा अनडिठे रब नू पत्थरानू कल में पढ़ा जानदा है। जेड़ा नहीं पढ़दा उनू बाहु फड़ के आख तेरे नबी दी नात पढ़ी जा रही आ। अपना जेड़ा तेरे अंदर मालक ने जोर रखे है क्यों नहीं लाउंदा है। पत्थरानू कल में पढ़ा ए गूंगिया तो बोलियानू बुला जानदा अन बोलियानू। असी उस महबूब दे गुलाम आ जेड़े अन बोलियानू बुला जानदा ए सुकिया खजूरा उगा आए। जरा मुहब्बत की दुनिया विच इश्क की दुनिया में जाके पढ़िए ताकि जो कल कबर विच जाइए मदीने वाला माही जदों फरिश्ते आके सवाल करन ते हुजूर फरमान फरिश्ते हो इनू कुछ ना आखो ए जामन दी जामिया मस्जिद नूरी दे अंदर जुमे वाले दिन भावे जो भी करदा सी जुमे वाले दिन मेरिया नातां इश्क नाल पढ़दा रहा है। मेरिया नातां मुहब्बत विच डुब के पढ़दा रहा है। ये सुकियां खजूरां उगा ये सुकियां खजूरां उगा जानदा आए ये पत्थरां नू कल में पढ़ा दाए ए पत्थरानू कल में। हुण आदरा तवज्जो करी तेरे ते मेरे करीम ने फरमाया मेरे गुलामो जी सोनिया फरमाया जदों मेरी सवारी पहले आसमान तक पहुंची हुजूर ने फरमाया जरा तवज्जो करे आजे गुलामो फरमाया जिबरीले अमीन ने दरवाजे ते दस्तक दीती दरवाजा खड़काया पहले आसमान दा दरवाजे वाला दरबान फरिश्ता कहिंदा है कौन है फरमाया मैं जिबरीले अमीना फरिश्तियां दा उस्ताद आ फरिश्तियां दा उस्ताद आ इमाम उल मलाइका वा। उस दरबान ने आख्या ओ जिबरीले अमीन तुसी उस्ताद जरूर हो दसो इस वेले तुहाडे नाल कौन है दसो इस वेले तुहाडे नाल कौन है। जिबरीले अमीन जवाब दिता मैं कल्ला नहीं आ मेरे नाल आखरु समान नबी नबियां दा सुल्तान है जिड़ा जा समाना दा मेहमान है अरशां दा मेहमान है मेरे नाल नबियां दा सुल्तान है। पहले आसमान वादा दरवाजा दरबान ने खोलिया खोल के उन्हें फौरन हुजूर नू सलामी पेश कीती जदों सलाम कीता दर्द कीता जिबरील मैनू हुक्म नहीं सी दरवाजा खोलन दा मैं कदी ना खोलदा जे तुसी कल्ले हुंदे अज सारे दरवाजे यार दे सदके खोले जा रहे ने अज सारे दरवाजे हुजूर दे सदके खोले जा रहे ने। सरकार फरमांदे ने जदों मैं अगे गया मैं वेख्या सैयद
سیدنا آدم علیہ السلام ابو البشر بابا جی سیدنا آدم علیہ السلام آپ بیٹھے نے مینو ویکھ کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے آپ فرما دے نے آدم علیہ السلام نے فرمایا السلام علیک یا نبی صالح السلام علیک یا ابن صالح اے میرے نیک بیٹے اے نبیاں دے سردار تیرے تے سلام ہوئے سونیا تو ہڈے تے سلام ہوئے آدھرا توجہ تے کری آدم علیہ السلام خود نبی نے پہلے نبی ذرا توجہ تے کری ابو البشر نے انسانیت دے باپ نے لیکن سرکار فرما دے نے معراج والی راتی بابا جی آدم علیہ السلام نے میرا اٹھ کے استقبال کیتا حضور فرماندے نے معراج والی راتی بابا جی نے میرا اٹھ کے استقبال کیتا پھر حضور فرماندے نے ذرا توجہ تے کریں سرکار فرماندے نے کہ آپ دے سجے کھبے کچھ میں ایسے پرندے ویکھے کچھ سفید نے کچھ سیاہ نے جدوں آپ آدم علیہ السلام سیاہ پرندیاں دی طرف ویکھدے نے آپ دیاں اکھاں وچوں آنسو آ جاندے نے تے جدوں آپ سفید پرندیاں ول ویکھدے نے بابا جی مسکرا پے میں پوچھیا حضور انج کیوں کر دے ہو جبریل امین نے دسیا سونیا اے ساریاں بابا جی آدم علیہ السلام دی اولاد دیاں روحاں نے جڑیاں بابے دے سامنے پیاں نے بابا جی آدم علیہ السلام دی اولاد دیاں روحاں نے جڑیاں سفید نے او اچھے لوگاں دیاں روحاں نے او نیک لوگاں دیاں روحاں نے تے جڑیاں سیاہ نے او بد لوگاں دیاں روحاں نے جدوں بابا جی اپنی نیک اولاد نو ویکھ دے نے اودوں خوش ہوندے نے جدوں بری اولاد نو ویکھ دے نے اودوں چہرہ پریشان ہو جاندا ہے ذرا توجہ تے قریب پتائے چلیا اگر اولاد اچھے کم کرے اونا دیاں اچھائیاں ویکھ کے خوش ہونا ماپیاں واسطے اے بابا جی آدم علیہ السلام دی سنت اے سنت بابا جی آدم علیہ السلام دی تے اگر کو برے کام کرے تے پھر ماپے اگر پریشان ہو جان چہرہ تذبذب دا شکار ہو جائے ایوی طریقہ بابا جی آدم علیہ السلام دا ہے ایوی طریقہ بابا جی آدم علیہ السلام دا ہے آ تیرے تے میرے کریم آقا نے فرمایا میں جدو پہلے آسمان تے گیا جدو دروازہ کھلا تے اتے میں آیت کریمہ لکھی وے کسی ہو والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وان کانوا من قبل لفی ضلال کیوں لکھی آپ فرما دینے ہر جگہ تے میں پہلے آسمان تے گیا اوتھے بھی آیتاں لکھیاں میں دوسرے آسمان تے گیا اوتھے بھی آیتاں لکھیاں تیسرے چوتھے پنجویں چھویں ستویں آسمان تے گیا اوتھے بھی قرآنی آیات او آیتاں لکھیاں نے جڑیاں میری شان وچ نازل ہویاں نے ویسے تے سارا قرآن حضور دینا تے لیکن جڑیاں زاری طور تے ذرا توجہ تے کریں ویسے تے الحمد دی الف تو لے کے والناس دی سین تک سارا ہی قرآن پاک حضور دینا تے فرمایا جتھے سرکار دے میرے آقا دے غلاموں اختیار دا ذکر فرمایا جتھے اللہ کریم نے محبوب دے حاضر و ناظر دا ذکر فرمایا جتھے محبوب دے جمال دا ذکر فرمایا اے ساریاں آیتاں آسمان تے لکھیاں کیوں لکھیاں تاکہ یار نو پتا چل جائے میرا ذکر فرشاں تے ہی نہیں ہو رہا میرا میرے چرچے عرشاں تے بھی ہو رہے میرے چرچے
अरशां ते भी हो रहे ने। फरमाया महबूब नू पता चल जाए मेरे आला हजरत दी कलम नू वजद आ गया। ते आप फरमांदे ने आला हजरत ने कमाल कर दिता, फरमांदे ने फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पर खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। आओ तो आडे ते मेरे करीमा का सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर नबी नाल मुलाकात, मैं दूसरे आसमान ते गया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ते यहया अलैहिस्सलाम नाल मुलाकात हो गई। फरमांदे ने किधरे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नाल मुलाकात, किधरे जनाबे हजरत हारून अलैहिस्सलाम नाल मुलाकात, किधरे जनाबे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम नाल मुलाकात, किधरे जनाबे हजरत हारून अलैहिस्सलाम नाल मुलाकात। फरमांदे ने जदों मैं सतवें आसमान ते गया, मैं काबे दी शकल दा उथे काबा वेख्या, ते उथे आले दुआले वेख्या, रब दे फरिश्ते तवाफ पै करदे ने। अगली गल सुन, आप फरमांदे ने मैं एक ऐसी शख्सियत वेखी जिदी कुर्सी ओस बैतुल मामूर दी दीवार दे नाल टोला के डठी हुई है। आप फरमांदे ने मैं वेख्या उन्हां बुजुर्गां दी शक्ल मेरे नाल रलदी है। आप फरमांदे ने मैं पूछिया जिबरीले कौन ने, दसिया जिबरीले अमीन ने सोने अल्लाह दे नबी तुआडे जदे अमजद तुआडे दादा जान सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, तुआडे दादा जान सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। हुण जरा तवज्जो करिया जे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी सरकार फरमांदे ने मेरा इस्तकबाल उठ के फरमाया, फरमांदे ने मेरी पेशानी चुमी जदों मैं बैतुल मामूर विचों अगे जान लगा, फरिश्तियां अर्ज कीता या अल्लाह ए काबा ते तू सानू बना के दिता है, पर अज ए तां गल बनेगी अज तेरा महबूब सानू भी जांदियां जांदियां दो रकातां पढ़ा जाए। हुजूर नमाज ते मलक निसार साहब लैण वास्ते जा रहे सी, लेकिन सरकार दो रकातां काबे च पढ़िया, दो बैतुल मकदस च नबियां नू पढ़ाइया, ते दो बैतुल मामूर च फरिश्तियां नू पढ़ाइया। बैतुल ममूर च दो फरिश्तियां नू पढ़ाइया, दरा तवज्जो ते करी, एवें नहीं शायर ने आख्या अरशी पै करन गुलामी, फरशी पै करन गुलामी, अरशी पै देन सलामी, फरशी पै करन गुलामी, अरशी पै देन सलामी, फरशी पै करन गुलामी, अरशी पै देन सलामी, जिन्नू भी वेखो लगदा मंगता हुजूर दा। आओ हुजूर दे दीवाने, मैं अर्ज कर रहा सा सरकार ने उस फरिश्तियां नू भी दो रकातां पढ़ाइया, फिर हुजूर सिदरा
सिरातुल मुंतहा तो अगे गुजरन लगे। सरकार फरमांदे ने मैं वेख्या सिदरातुल मुंतहा। हुजूर गुलामा पुछया सोनिया ए सिदरा मुंतुल मुंतहा की है? फरमाया बेरी दा दरख्त है, ओदे पत्ते एडे एडे वड्डे ने, अगर ओदा एक पत्ता जमीन ते आ जाए सारी जमीन नू ढांप लवेगा। एडे एडे वड्डे पत्ते ने, फरमाया सारी जमीन नू ढांप लवेगा। हुजूर फरमाया सत्ता समाना ते फरिश्तियां नाल मुलाकात ते हुंदी रही, फरिश्ते सलामियां देंदे रहे, पर फरमाया जदों मैं सिदरातुल मुंतहा ते पहुंचिया, वेखिया ते सिदरा दे पत्तियां नाल टहणियां नाल शाखां नाल फरिश्ते लटके हुए ने। इन्ना वड्डा दरख्त, इन्ना वड्डा दरख्त है कि उहदा एक पत्ता जमीन ते आवे सारी जमीन नू कज ले, सारी जमीन नू ढांप लवे। ते हुजूर फरमांदे ने मैं वेख्या सारा ही दरख्त कांदे नाल भरिया, कादे नाल भरिया, फरिश्तियां नाल, सारा ही दरख्त फरिश्तियां नाल भरिया है। ते फरिश्तियां दे कीने दरा तवज्जो करी, इत्थे पंजाबी दा शहर कहिंदा कुदसी बैठे ने सज दज के, कुदसी बैठे नी सज दज के, ते वदोहा दे मुखड़े वाला अज वेखांगे रज रज के। फरमाया मक्का शहर दे अंदर, मक्के पाक दे अंदर, ते अबू बकर रज रज के वेख दे ने, उमरे फारूक रज रज के वेख दे ने, उस्माने गनी मौला अली बिलाल तलहा जुबैर ए वेख दे ने। लेकिन आप फरिश्तियां दी तमन्ना की है कि सिदरा दा राही मेराज दी रात जदों सिदरा कोलों गुजरन लगा ते कुदसी बैठे ने सज दज के, कुदसी बैठे ने सज दज के, वदोहा दे मुखड़े वाला अज वेखांगे रज रज के। ते फिर जदों मेहमान आवे मेजबान अपना घर सजाउंदे ने, मेजबान रस्ते सजाउंदे ने, मेजबान कुमकुमे लगाउंदे ने, मेजबान झंडियां लगाउंदे ने, दीवारां सजाउंदे ने। हुण जदों हुजूर सिदरा वल गए ते फरिश्तियां दा ज़ौक की है? फरिश्ते एक दूसरे नूं आंदे ने, असां सिदरा नूं सजाउणा है मास्टर जी, असां सिदरा नूं सजाउणा है, असां सिदरा नूं सजाउणा है। ते नबियां दे लाड़े ने अज दीदार करोणा है, नबियां दे अज दीदार करोना है। तेरे ते मेरे करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जदों सिदरतुल मुंतहा ते पहुंचे, जिब्रील अमीन अर्ज कीता सोनिया मेरी इंतहा आ गई है, मेरा इख्तिताम आ गया है। आपने फरमाया जिब्रील अगे नहीं जाना सोनिया, अगर मैं अगे जावा। मौलाना जलालुद्दीन रूमी लिखते ने, जिब्रील अमीन अर्ज कीता सोनिया मेरे पर ओदे नूर दी तजली नाल जल जाणगे। जरा तवज्जो ते करी, हुण तेरे ते मेरे करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिब्रील फिर ओ वक्त याद करो जदों मेरे दादा जी इब्राहिम अलैहि सलाम चिखा विच गए सन। तुसी उस वेले गए, आखिया इब्राहिम मैं उथे जाना जिथे कोई नहीं जा सकता, कोई अंदर दी तमन्ना होवे ते दसो।
मेरे दादा जी आख्या सी जिबरील मैनू दसण दी जरूरत नहीं जे ओदा खलील अग विच जा रहा है रब्बे जलील जानदा है तेरे ते मेरे करीम आका ने फरमाया जिबरील ओदन ते तुसा आख्या सी अज मैं कहना मैं उथे चलिया जिथे तुसी भी नहीं जा सकते कोई तमन्ना होवे कोई खाश होवे कोई आरजू होवे दसो मैं तुहाडी पूरी करवा दिया जिबरीले अमीन ने होर कुछ नहीं मंगया बर्तरिया ते अगे ही बड़िया ने सारे नबिया का सहाबी है सारिया किताबां दा हाफज ते आलम है जरा तवज्जो ते करी बर्तरिया ते अगे ही बड़िया ने लिया सिदरा दा मकीन है सारे फरिश्तियां दा इमाम ते उस्ताद है ते मंगया की सोनिया मैं होर कुछ नहीं मंगदा जदों रब दी बारगाह च जाओ ते मेरी इको ही तमन्ना है जदों कल कयामत दा दिन होवेगा तुहाडी उम्मत पुल सरात दे उत्तों गुजरेगी हजूर उन्हां जदों गुजरना है ते थले जहन्नम होवेगी पुल सरात उत्ते पुल होवेगा मेरे ते तेरे करीम आका ने फरमाया तलवार नालों तेज होवेगा वाल नालों बरीक होवेगा वाल नालों बरीक तलवार नालों तेज ओते पार चला गया जेड़ा विच डिग पिया ओ जहन्नम विच चला गया जिबरीले अमीन ने अर्ज कीता सोणिया मेरे जिन्ने पर ने महबूब अगर तुहाडा ए इशारा हो गया रब मन लैणी है ते मेरी तमन्ना है जदों तुहाडी उम्मत गुजरे मैं जिबरील ने पुल दे उन्हां दे पैरां थले पर वछा उम्मती जरा गौर ते करके देख जेड़ा फरिश्तियां दा उस्ताद है इमाम उल मलैका है रसूल उन मलैका है रसूल उन मलैका ने जिबरीले अमीन लेकिन सरकार दी उम्मत दी किन्नी कदर है अर्द कीता सोणिया मेरी इको ही तमन्ना है कि जदों तुहाडी उम्मत पुल सरात तो गुजरे ते मैं उन्हां दे पैरां थले की कीता होवे पर विछाए होन साहबो तेरे ते मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर ला मकान दियां बुलंदियां ते तनहा बुराक भी जवाब दे गया रफ रफ आया वो भी रह गया फिर हुजूर तनहा तशरीफ लै गए जदों तनहा तशरीफ लै गए ला मकान दियां बुलंदियां ते उत्तों आवाज आई सुम्मा दना फता दल्ला सुम्मा दना फता दल्ला सोनिया मैनू सोनिया तुहाडी उत्ते आउण दी कसम मेरी अगाया के तुहाडा इस्तकबाल करन दी कसम मैनू तुहाडा इस्तकबाल आके करन दी कसम जरा तवज्जो ते करी फिर रात तनहा किसे फरिश्ते नू नाल नहीं जान दिता वजह की है सोनिया आजा राजो ने आज दियां गल्लां कर लईए एक तू होवे एक मैं होवा आजा वखरई तूर बना लईए एक तू हो तूर बना लईए आजा वखरई तूर बना लईए आशक ने अपना अंदाज पेश कीता आंदा बन तालब वांग जलीखा दे कुली यार दे राह विच मलक साहब ने तवज्जो इधर करा दी आजा तालब वांग जुलैखा दे कुली यार दरा विच एक मैं होवां एक तू होवां
आजा वखरई तूर बना ली है। आ हुजूर दे दीवाने आ मेरी ते तेरी सरकार अल्लाह करीम दी बारगाह वे चले गए। राजो नियाज दियां गल्लां होण लग पईयां। फरमाया सोणिया जदों यार यारां कोल आउण तोहफे लैके आउंदे ने महबूबा तुसी की लैके आए हो? या अल्लाह मैं ओ लै आया जिहड़ा तेरे कोल नहीं। फरमाया सोणिया कादर मैं आ इन अल्लाह अला कुल्ले शैन कदीर मैं आ। मुल्क मेरे ने मुल्कां दा हाकम मैं आ मालकां दा मालक मैं आ। हर शै मेरे कब्जा कुदरत विच महबूबा तुसी की लै आए हो? सोणे अर्ज कीता या अल्लाह मैं आजजी लै आया तेरे कोल सारा कुछ। अरश तेरे ने फर्श तेरे ने आसमान तेरे ने जमीन तेरी है जन्नत दोजख तेरे ने सूरज चन्न सितारे सारा कुछ तेरा है। पर मालिका तेरे कोल आजजी नहीं मैं कादर दी बारगाह विच आजज बन के आया। या अल्लाह ए ले आया तू मेरा रब्बे मैं तेरा बंदा हुआ। तू मेरा रब्बे मैं तेरा बंदा हुआ। मेरे आका दे गुलामो राजो नियाज दियां गल्लां एक नहीं दो नहीं दस नहीं भी नहीं 90,000 गुफ्तगू होई 90,000 गुफ्तगू होई एक लम्हे दे अंदर 18,000 साल दी रात उधर बन गई। एक लमा 18,000 साल दी रात बन गई। हर चीज थले महबूब उते फरमाया सोनिया जेड़े तुहानू लालच देंदे सन आंदे सन मालो मता देने आ जिथे कहिंदे ओ रिश्ता कर देने आ। हुजूर सोनिया महबूबा वेख सारे खजाने थले ने तेरे जोड़े उते ने तेरे जोड़े उत्ते ने। हुण राजो नियाज दियां गल्लां उधरों तोहफा हुजूर लैके गए इधरों उधरों बेनियाज रब तोहफा दिता। सोणिया तुसी ते लामकान दियां बुलंदियां ते मेराज कर चले हो। जाओ नौकरां वास्ते उम्मतियां वास्ते नमाजां लै जाओ ते जाके ऐलान करो अस्सलातो मेराजुल मुमिनीन। ओ मोमिनो तुसी नमाज विच खलोवो मेराज मिल जाएगी। नमाज विच खलोवो मेराज मिल जाएगी। ते फिर हुजूर 50 नमाजा लेके आए। अज कई बड़े तरले नाल आ दिंदे ने वसीले दी लोड़ ही कोई नहीं। डायरेक्ट अल्लाह दी बारगाह च दुआ करो डायरेक्ट गल करो वसीले दी केड़ी गल है। ते जिहड़ा वसीले दा कायल नहीं उहदा काम है ज्यों सवेर तो लगे रात तक किन्नियां पढ़े 50 पढ़े क्योंकि हजरत मूसा अलैहि सलाम विच वसीला बने ने ते फिर 5 होईयां ने फिर 5 होईयां ने। सरकार 5 नमाजा लेके आए आपने 9 चक्कर लगाए ते 5 नमाजा रह गई। मुस्लिम शरीफ की हदीस के मुताबिक मूसा अलैहि सलाम ने अर्ज किया हुजूर फिर जाओ। फरमाया नहीं मैनू तसली है। एक तो फरमाया मैनू हुण अपने रब की बारगाह जांदियां हया आउंदी ते दूसरा फरमाया मैनू अपने ते तसली है जिहड़े मेरे गुलाम ने वह 5 वक्त नमाज वह 5 वक्त नमाज आखिरी लफज बोल दियो 5 वक्त नमाज पढ़न गए तो सानू पढ़निया चाहिए ने। अल्लाह ताला अपने महबूब का सदका तो मेरा रल मिल बैठना अपनी बारगाह मकबूल फरमाए। को टाइम थोड़ा ज्यादा लै गया क्योंकि ये मलक निसार अवान साहब कदे कदे फिर तशरीफ लै आते हैं मुहब्बत नाल ते बड़ी दूरों चल के सिर्फ मुहब्बत ही लैके आता है बेचारा है। तो चलो असी भी कोई 10 मिनट जरा इन टाइम दे दें। अल्लाह ताला तो मेरा रल मिल बैठना कबूल फरमाए तो मेरी आवाज़ अगर कोई तकरीर तुसा सुननिया हो मास्टर न्यूज़ चैनल को नवा भी इन्हें बनाया तेरा अज की तकरीर वो निकलेगी। तो आते ने भी तरक्की हो गई है जिमें नवा पाकिस्तान बन रहा है उवें ही अपना नवा आते ने चैनल बनाया। अल्लाह ताला तो मेरा रल मिल बैठना कबूल फरमाए। वाखिर दावा अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।